हेलो फ्रेंड्स, मैं श्रेया सिंह। मेरे चैनल में आपका स्वागत है। मैं आज आप लोगों के साथ न्यू रेसिपी स्टार्ट करूंगी, मटर पनीर। मैं मटर पनीर का रेसिपी स्टार्ट कर रही हूं। इसके लिए पहले देखिए, मैं एक प्याज ली हूं, दो हरी मिर्च है। देखिए, मैं एक प्याज ली हूं, दो हरी मिर्च ली हूं, थोड़ा सा अदरक ली हूँ, एक ही कुछ लहसुन का कलिया है, एक बड़ा सा लहसुन ली हूँ, उसको छुड़ा ली हूँ। ठीक है, चलिए अब इसको हल्का फ्राई करती हूँ। देखिए, फ्राई करने के लिए मैं कढ़ाई चढ़ा ली हूँ, गैस जलाती हूँ। जब तक कढ़ाई गर्म हो रहा है तब तक मैं प्याज को चॉप कर लेती हूँ। देखिए, कढ़ाई गर्म हो गई है, इसमें मैं ऑयल डाल दी हूँ। देखिए, 1 टीस्पून ऑयल डाली हूँ। ऑयल गर्म होते ही सब प्याज, हरी मिर्ची, लहसुन, अदरक सबको एक साथ मिक्स डाल दूंगी और इसको मैं 1 से 1.5 मिनट तक भूनूंगी। देखिए, अच्छे से भून गई है, कलर भी चेंज हो गया है, देख रहे होंगे। अब मैं गैस को ऑफ कर देती हूँ और ठंडा होने तक वेट करती हूँ। ठंडा हो जाएगा तब मैं इसका पेस्ट तैयार करूंगी। माइंड नहीं कीजिएगा, उधर दूध बॉयल हो रही है। देखिए, ठंडा हो गया है, अब मैं जार में इसको डाल लेती हूँ। देखिए, जब तक प्याज ठंडी हो रही है तब तक मैं टमाटर को भी कर लेती हूँ। एक टमाटर ली हूँ, इतना बड़ा साइज का टमाटर था, उसको मैं स्लाइस में काट लूँ। सेम कढ़ाई में इसको भी फ्राई करूँगी, इसको भी हाई फ्लेम पर 2 मिनट तक भूनूंगी। देखिए, इसको सिर्फ सॉफ्ट करनी है। देखिए, टमाटर सॉफ्ट हो गई है, हो गई। अब गैस को ऑफ कर देती हूँ और इसको भी ठंडा होने के बाद मैं एक साथ ही पीसी प्याज में मैं टमाटर को भी डाल के पेस्ट बनाऊंगी। देखिए, सब ठंडा हो गया, मैंने टमाटर को भी मिक्स कर दी। अब पेस्ट बनाते हैं, बिना पानी डाले मैं इसका पेस्ट बनाऊंगी। देखिए, पेस्ट थोड़ी दरदरी है, इसलिए मैं इसमें 1 चम्मच पानी डालूंगी, फिर से पेस्ट बनाऊंगी, क्योंकि मुझे बिल्कुल स्मूथ पेस्ट चाहिए, थोड़ा दरदरा पेस्ट है। देखिए, पेस्ट रेडी हो गया, दिख रहा होगा। अब चलिए इसका फाइनल लुक देते हैं, सब्जी रेडी करते हैं। इसके लिए मैं फिर से इसी कढ़ाई में सब्जी बनाऊंगी। गैस जला देती हूँ, मैं इसमें 2 टेबल स्पून ऑयल डालूंगी, क्योंकि ऑयल ज्यादा यूज नहीं करना चाहिए। मैं डालूंगी 1/2 टीस्पून जीरा। जीरा को चटकने देती हूँ। ठीक है, जीरा चटक गया है। अब इसी के साथ मैं डालूंगी 1/2 टीस्पून हींग। हींग के डालते ही मैं फ्लेम को कम रखी, जो मैं पेस्ट रेडी की थी उसको डाल दूंगी और इसको 1 मिनट तक ऐसे से भूनूंगी। देखिए, मैंने जो प्याज का पेस्ट बनाया था इसको डाल दी हूँ। अब डालती हूँ मसाला। मसाला में सबसे पहले मैं डालूंगी नमक। नमक आप अपने स्वाद अनुसार डालिएगा। फिर डालूंगी हल्दी पाउडर, मैं 1/2 टीस्पून हल्दी पाउडर डाल रही हूँ। फिर धनिया पाउडर, ये भी 1/2 टीस्पून डालूंगी। फिर डालूंगी रेड चिली पाउडर, ये रेड चिली पाउडर है, ये स्पाइसी नहीं है, सिर्फ कलर आएगा। मैं ये डालूंगी सब्जी मसाला, बादशाह का किचन किंग है, ये डालूंगी मैं 1 टीस्पून, बस और कुछ नहीं डालूंगी। अब ये सबको अच्छे से मिक्स करके मैं 5 मिनट तक मसाला भूनूंगी। मैं मसाला डालने के बाद 1 मिनट फ्राई हो गई है, उसके बाद मैं डालूंगी ये मलाई। फिर मलाई को डाल देती हूँ मैं 2 टेबल
टू टीस्पून मलाई डाली हूँ। अब इसको मिक्स करके मैं 5 से 7 मिनट तक ढक के भूनूंगी। देखिए मसाले भून गया है। अब इसी में मैं डाल दूंगी मटर। मेरे पास फ्रेश मटर है, फ्रोजन नहीं है, इसलिए मैं इसको डाल के इसको भी 10 मिनट तक भूनूंगी। इसको भी अच्छे से मिक्स कर लेती हूँ। इसको भी मसाले के साथ मैं 5 से 10 मिनट भूनती हूँ। देखिए मेरा मसाला और मटर दोनों फ्राई हो गया। अब मैं डालूंगी 1/2 टीस्पून गरम मसाला। गरम मसाला डालते ही मैं डालूंगी पानी। पानी आप अपने अंदाज से डालिएगा, ग्रेवी पतला चाहिए कि गाढ़ी, उसके अकॉर्डिंग। देखिए मैं दिखाती हूँ, दिख रहा होगा। अब मैं अच्छे से मिक्स करके इसको बॉयल होने देती हूँ, तब मैं लास्ट में पनीर डालूंगी। देखिए अच्छे से पक गई, मटर भी पक गई, ग्रेवी भी, देखिए देखने में कितना अच्छा लग रहा है। अब मैं ये पनीर डाल देती हूँ। मैं 150 ग्राम पनीर ली हूँ, इसको मैं छोटे पीसेस में काट ली हूँ। अब इसको भी डाल के मैं इसको डाल के बस अब कुछ नहीं करूँगी, बस 1 मिनट तक इसको अच्छे से पका लेती हूँ, फिर गैस ऑफ कर दूंगी। देखिए सब्जी में बॉयल आ गई, पनीर भी डाल दी, देख रहे होंगे। दिखाती हूँ, देखिए मटर भी पक गई, पनीर भी अच्छे से मिक्स हो गई। अब चलिए गैस को ऑफ कर देती हूँ। देखिए गैस ऑफ करने के बाद मैं थोड़ा सा धनिया पत्ता से स्प्रिंकल कर देती हूँ। देखिए मेरा मटर पनीर का रेसिपी। देखिए फ्रेंड्स मेरा सब्जी कितना अच्छा लग रहा है। मटर पनीर देखने में जितना अच्छा लग रहा है उतना ही खाने में भी टेस्टी लगेगा। एक बार इस रेसिपी को आप लोग ज़रूर ट्राई कीजिएगा। पसंद आए तो लाइक सब्सक्राइब दोनों कर दीजिए। ओके बाय।